Hello guys, welcome back to our channel. This is Ashwin and this is Kavya. So today we will be reacting onto the trailer of Dhadak. Actually, both the trailers. Actually, day before yesterday, the second trailer was out. So we haven't seen the both trailers yet. So actually, एक sneak peek देखा था हमने first trailer का. तो तब से मैं थोड़ा excited हूँ कि मेरे को दोनों देखना है. वो ही नहीं sneak peek की बात ही नहीं है. हमें पता है कि चारों तरफ कंगना की ही बात हो रही है हर जगह, like you know, Instagram, Twitter and everything, like everywhere. पर जब मैंने वो टीजर नहीं, वो थोड़ा जो स्नीक पीक देखा था, जैसे इंस्टाग्राम पे सब दिखता है, तो मैंने तभी सोच लिया था कि इसका रिएक्ट करेंगे. तो अब जाके हमें टाइम मिला इसको रिएक्ट करने का, जबकि अभी परसों जैसे तुमने बोला कि ट्रेलर निकला सेकंड, तो हमने सोचा भी निकल गया इनफैक्ट. तो अब तो करना बनता है ना. सो इवन एक सॉन्ग भी निकला था बीच में, तो एंड मूवीज ये टू रिलीज ऑन 20th मई, तो बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा अभी फिलहाल. तो जल्दी से हम ट्रेलर, दोनों ट्रेलर देखेंगे. तो सबसे पहले विल बी वॉचिंग द फर्स्ट ट्रेलर, उसके बाद सेकंड. This is Ringmaster. Seagull meeting point ki taraf badh raha hai. I want this clean and quick. Time for action. Copy that, Ringmaster. Over and out. Get a grip on your agent. This will prove costly. थोड़ा सा मेरे को किल भी जैसा वाइब आ रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. आप आ गए कि रखते जाओ. बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के अगेंस्ट खड़े हैं हम. सेंट्रल इंडिया के कोल माइनिंग बेल्ट से ऑपरेट कर रही है. चलाने वालों का नाम जमीना ना मारी खान. कॉन्ट्रैक्ट किलर है क्या? कोई लो भी हमारे बाप को इनका नेटवर्क क्या लग रहा है. इस सांप का सर को चलने का टाइम आ गया. माइंस पे हमला नहीं बोल सकते. वी नीड कंफर्म्ड इंटेलिजेंस. वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए. एजेंट है तुम्हारा, हमसे कोई अग्नि निकलना नहीं चाहिए. जो कुछ भी करना है तुम्हें अकेले करना है. जयमाल कब आया? साजा गिरी है लखनऊ से. मैं अगर तुम्हें सब कुछ बता देता तो तुम्हारे इमोशंस ड्यूटी के रास्ते में आ जाते. कठपुतलियां ना है हम सब. दूर ऊपर वाले के हाथ में है अभी. क्या लुक है उसको? इवन ये साउंड डिफरेंट. इसे अपना पिछवाड़ा बिट्टा. और उसको बहुत बढ़िया था. जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा. जिस्म से रूह अलग करना इन सिनेमास 20th मई को. उसमें जो पोर्शन था वो वॉर वाला दिखा था, जो लड़ाई कर रहे थे. तो विजुअल्स काफी अच्छे हैं, इवन द कलर करेक्शन भी काफी अच्छे हैं. बहुत अच्छा प्रोडक्शन है ना, काफी एक्सपेंस किया ऐसा लग रहा है. बहुत मेटीरियलिस्टिक मूवी है. बट देन वी हैव अनदर ट्रेलर टू वॉच, जल्दी से वो भी देखते हैं. रुद्रवीर 10 साल पहले गल्फ में ऑलमोस्ट हमारे हाथ आ गया था. अर्जुन रामपाल तब से गायब है. ज़मीना ना मारे ये, दिस इज अर्जुन. खाना ना मारे. रुद्रवीर उसका नाम है. अर्जुन रामपाल हमारे बाप का. इस सांप का सर कुचलने का टाइम तो आ गया. ड्रैगनफ्लाई टाइम फॉर एक्शन. कॉपी दैट रिंगमास्टर. Over and out. We have seen many actors like that doing, right?
एक्शन सीन्स आर सो बैडास। रोहिणी और शेख दोनों ही बिल की बात कर रहे हैं। एक्शन सीन्स बहुत सारे हैं। इसे अपना पिछवाड़ा में डाल लो। सीन्स वही है ना? काफी कुछ वही है सीन्स। Where is Rudraveer? Where is he? शेर की मान में घुसोगे तो हाथ मोती आवेगी। जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा। वो जो क्रैक है ना, वो तोड़ दिया। That's how it works. Oh, cool. बहुत ज़्यादा bad ass है, बहुत ज़्यादा। You messed with the wrong girl, bro. Really? आग तोड़ दिया यार उंगली से उसने। प्रोडक्शन पे काफी पैसा लगाया है, स्पेशली एक्शन सीन्स पे काफी ज्यादा वर्क किया है। इतना सारा एक्शन सीन है और काफी मेहनत हुई है, दिख रहा है हमें एक्शन सीन्स देख के। नॉट ओनली द सीन्स बट देन वो कैमरा मोमेंट्स जो यहाँ वहाँ हलाया है, सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छा है। इवन दो दैट वो एक्शन सीन्स जो भी है, जितने भी है, लाइक यू नो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। वो ग्रेट विजन आई थिंक, लाइक काफी एफर्ट्स डाला उन्होंने, देख के पता लग रहा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी बढ़िया की हुई है, जैसे वो वीडियो जो लाइक जो कैमरा मोमेंट्स थे एंड हर एक्शन सीन्स, और कंगना का एनर्जी जो है वो दैट्स द मेन थिंग। बहुत बैडास लग रही है। Even Arjun Rampal bhi, even like he sounds very different in this film, like maybe because of the character, obviously character ke hisab se voice modulate karke, like you know thoda accent, like you know bahut daba kar rakha hai. And jo movie ka jo theme hai, like इनफैक्ट वी ऑल नो कि कंगना जो भी मूवीज करती है वो वुमन ओरिएंटेड मूवीज करती है, सेंट्रल कैरेक्टर वुमन ही होती है। बट हियर जो थोड़ा जो जो हटके जो थिंग है ये है कि लाइक यू नो शी इज डूइंग द एक्शन, बहुत ज्यादा एक्शन है। और मैं एक्चुअली एक्शन देख के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि जो उसमें स्पेशली जो लास्ट में आग फोड़ा है ना, वो देख के तो लाइक क्या कहते हैं थोड़ा लाइक हॉलीवुड टच काइंड ऑफ। जैसे तुमने हॉलीवुड की बात करी, इसमें दो चीजें हैं जो मेरे को देख के वाइब आई। एक तो सबसे पहले थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोलूंगा 10% किल बिल का वाइब आया। ऑब्वियसली काफी लोगों ने किल बिल देखा, जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखे, काफी ज्यादा बैडास मूवी है। तो वो देख के तो कहीं ना कहीं 10% लगा। और दूसरा है टोक्यो, क्योंकि वो मनी हाइस की एक कैरेक्टर है जिसने इतने बार सेम वैसी, वो भी बैड ऐसा, और वही जो सीन है ना गोलीबारी कर रही है तो वैसे ही लग रही है। तो मैं उसके बीच में कहने वाला था, मैं तुझे नहीं बाद में कहूंगा, तो बस वो भी कहना था मेरे को कि हाँ काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है, लाइक एक्शन सीन काफी वो रीमेक नहीं है, किसी का भी रीमेक नहीं है। एंड देन काफी टाइम से यू नो बॉलीवुड वाज वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ मूवी, लाइक थोड़ा मास एनर्जेटिक यू नो किल विल, एंड इट इज सपोज टू बी अ एक्शन थ्रिलर मूवी इटसेल्फ, लाइक वो कुछ स्पाई है, एजेंट है किसी का, एंड एजेंट अग्नि है ना, एजेंट अग्नि अर्जुन रामपाल दूसरे साइड से है। बट देन स्टोरी का बेस ये है, कुछ है इन लोगों का पास्ट जिससे यू नो अभी ये लोग एजेंट लाइक दैट काइंड ऑफ दुश्मनी काइंड ऑफ थिंग है। हो सकता है अर्जुन रामपाल रोग हो, रोग मतलब कि सब कुछ छोड़ के भाग गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो विलन ही होगा प्रॉपर कि जिसको पकड़ के लेके आना है, व्हाटएवर वो बस पीछे पड़ी है उसको सबको रोकने के लिए। और बहुत कुछ जिसने जैसे उसने कहा कि लाइक यू नो बिजनेस से रूह निकालना दैट्स हर बिजनेस एंड दैट्स व्हाट शी इज डूइंग एंटायरली, लाइक इन द निकाले जा रही है, आग भी फोड़ रही है, मुक्का भी मार रही है, मुंह भी तोड़ रही है, सब तोड़ रही है। लाइक अर्जुन रामपाल की बात करें, लाइक ही इज वेरी पोटेंशियल काइंड ऑफ, उसका लुक काफी अच्छा है, कॉस्ट्यूम डिजाइन से काफी अच्छे से वर्क किया हुआ है। मतलब बहुत सारी फिल्म्स में अर्जुन रामपाल ने दिखाया है अपना वो जो पोटेंशियल है जो भी है। बट देन आई
मुझे कहीं कहीं ये ऐसा भी लगता है कि यू नो करेक्ट काइंड ऑफ यूनिक कैरेक्टर आया नहीं है अभी तक अर्जुन रामपाल के पास. रॉन्ग टाइम भी होता है, रॉन्ग जजमेंट भी होता है उसका. बट देन आई बिलीव कि इस मूवी से थोड़ा हटकर निकल कर आएंगे अर्जुन रामपाल. एंड कमिंग बैक टू कंगना, आई मस्ट से दैट कि इंडियन सिनेमा में लाइक बॉलीवुड में वापस एक्साइटमेंट का एक लेवल लेकर आई है कंगना. आई मस्ट से दैट. वैसे भी हमें पता है कंगना काफी हॉट कंट्रोवर्सी में रहती है, पर उसको नहीं छेड़ते हैं उसकी बात. तो जब भी कभी मुंह खोलती है तो शी विल बी इन दैट कंट्रोवर्सी. हाँ वो छोड़ो, हम ट्रेलर के बारे में बात करेंगे. तो ठीक है, देखने के बाद मैं काफी एक्साइटेड हूँ. मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को क्या ओपिनियन है, पर नहीं हमने वो है कि कंगना बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर लेती है फ्रॉम लाइक एक फिल्म से दूसरे फिल्म में. लाइक हमने मणिकर्णिका स्टार्टिंग विद द गैंगस्टर मूवी से अब तक का देखो कि दैट ट्रांसफॉर्मेशन लाइक बहुत बोल्ड हुई है. लाइक बॉलीवुड में तनु वेड्स मनु में एक हाउसवाइफ कर रोल, एंड देन रिटर्न्स के अंदर एक एथलीट बनकर आई बीच में. एक देन लाइक हमारा जो तलाई भी मूवी में एक पॉलिटिशियन का भी रोल किया था इन्होंने. सो नाउ शी इज बैक विद अ यू नो एक्शन हीरो. या लिटरली शी इज धाकड़. आई मस्ट से दैट ट्रेलर इज लुकिंग लाइक वेरी मच प्रॉमिसिंग एंड अमेजिंग. सो वी कैन लाइक यू नो कीप अ होप ऑन दिस मूवी. काफी ये तो काफी मस्त मूवी है और थिएटर में देखने लायक ही है मूवी. लाइक मैं इसके एंड में यही करूंगी, व्हाई बॉय शुड हैव ऑल द फन. नहीं लाइक ये यूजुअली हमें देखा है कि मेल डोमिनेंस करते आए है लाइक यू नो एक्शन सीन्स एंड एवरीथिंग. जॉन अब्राहम का सीन था, कौन सा मूवी था नाम भूल गया उसका, फाइटिंग सीन काफी ज्यादा एपिक था. हां बट देन या आई मीन टू से लाइक यू नो एक्शन में भी हम लोग कम नहीं है. तो आई होप आप लोगों को हमारा रिएक्शन अच्छा लगा. अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कुछ नया सजेशंस तो जरूर कमेंट करना. मैंने दो बार कमेंट बोल दिया बट देन सब्सक्राइब करने के लिए बोला ही नहीं आपने. हर बार ये गलत हो जाता है मेरे से. तो क्या था, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना. कुछ नया सजेशन हो तो जरूर बताना. वी विल बी डूइंग इट. ओके एंड सजेशंस है या कुछ करेक्शंस हो डू लेट अस नो. डू लेट अस नो बाय कमेंट. और आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को क्या लगता है ट्रेलर देख के कि क्या हिट होगी या क्या लगता है? ऑब्वियसली हिट होगा. वी जस्ट नीड टू नो. हमें कनेक्शन रखना है ना लोगों के साथ. ओके बाय.